this class that previous demonstrated to basic ideas of crystal lattice. Start.
cell which is to be formed. और क्यूबिक की आपने कोर्स ले लिया है, दूसरी दूसरी जो सर्जर सर वो भी आपको बता देंगे हम, लेकिन आपने कोर्स ले लिया है. बेसिस ना तो वो मैं आपको पहले सबसे पहली क्लास में एक बात बताई थी, सबसे पहली क्लास में आई थी ये बात मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था. बेसिकली जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है that is.
बेसिस में और यूनिट सेल में, तो यूनिट सेल तो एंटायरली डिफरेंट चीज हो गई ना। यूनिट सेल जो है बेसिस तो एक बेसिस तो बेसिकली आइदर एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स होंगे, और यूनिट सेल क्या होगी, यूनिट सेल होगी उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की छोटी से छोटी इकाई जो अगर एक्स एक्सिस में ट्रेवल करे, वाई एक्सिस में ट्रेवल करे और जेड एक्सिस में ट्रेवल करे, और वो किसको रिप्रेजेंट करे, एंटायर क्रिस्टल को डिफाइन करे, ठीक है। इट इज द स्मॉल, जैसे कि और तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, जैसे आपकी दीवार है, तो इस दीवार में यूनिट सेल क्या है, लेकिन ब्रिक के अंदर क्या है, अंदर तो कुछ ना कुछ एटम्स आयन और मॉलिक्यूल होंगे, तो दीज वो जो है वो उसकी बेसिक आइडेंटिटी होगी ना, वो कभी नहीं हो सकते यूनिट सेल है ना। हम ये कहते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडियम यूनिट सेल है, सोडियम एटम यूनिट सेल नहीं, सोडियम एटम की नोट है। नेक्स्ट जनरेशन वो भी गॉन होगी, उससे अगली जनरेशन वो भी गॉन होगी, इस तरीके की मतलब
बातें कही गई शास्त्रों में। ऐसे ही फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बस भाई यार गूगल पढ़ लिया ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन और आपकी जो सोचने की और काम करने की कैपेसिटी डब डिफरेंट है। तो ये जो है आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं, इसको ना स्ट्राइक टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको एक पिछली क्लास में मॉडल करके जो दिखाया था, उस मॉडल में एटम्स कुछ थे डिफरेंट कलर्स के है ना, तो उसी में उसी क्रम में थोड़ी सी एक दो बात करते हैं। क्यूबिक में सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है क्यूबिक स्ट्रक्चर,
Thank you.
एक इसके इधर भी है, एक इसके इधर भी है, एक
होने पे भी है। इन्होंने कहा कि इस वाले एटम के साथ में आठ होंगे, मतलब ये आठ डिफरेंट सैंपल हुआ, ये तो बोला है ना। तो इसलिए अगर ये एटम आठ डिफरेंट सेल में साझा कर रहा है, मान लीजिए सपोज करो तुम दोनों के दोनों दोस्त हो, दस रुपया दोनों ने 20 रुपए यहाँ रखा, ठीक है, तो यहाँ 20 रुपए जो रखा है शायद तुम लोगों का आधा कंट्रीब्यूशन वन बाई टू कंट्रीब्यूशन देगा, आधा बाई टू कंट्रीब्यूशन देगा। तो जब ये एटम आठ यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस पूरे सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, वन बाई एट, ठीक है, यानी कि इसका कितना हुआ, वन बाई एट, बस इसका कितना हुआ। इसलिए इस एटम का भी कंट्रीब्यूशन इस सेल के लिए 1/8 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो मैं तुम्हें आज एक छोटी सी बात बताऊंगा, देखो आप उसको अदरवाइज बोल देना, बिकॉज आई एम टीचिंग हियर फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स एंड आई हैव मोर देन 4-5 इयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस इन नेशनल लेबोरेटरीज। तो ऐसा नहीं है कि मुझे कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो इन 20 सालों में मैंने एक बात देखी कि हम लोग चीजों को समझते सच में ही कम रटते ही जाते हैं। एमएससी के बच्चों को आज मैं बार सामने खड़ा कर दूं, वो कहेंगे कि हाँ सर इसका फल होगा, जैसे मेरी बेटी इसको अगर मैं लिख दूं PHIS और PHAT, छोटी बच्चा जो होता है ना वो अपनी आंख में उसका पिक्चर सेव कर लेता है, वो ये समझ रहा है कि THAT मिला के दैट में हो रहा PHIS दिस, ठीक है, वो बड़ा आपको समझ आया ना, फिर छोटा सा देखते ही बोलेगा कि वो पिक्चर सेव करता है और सब की भी पिक्चर सेव कर लेता है और ऐसे देख के बताएगा, है ना। और अगर उसने THE नहीं पढ़ा होगा ना और हमने दिस को चैट पढ़ा दिया और दीप को कभी नहीं पढ़ा, तो वो दीप को बता देता है ये है क्या। यही प्रॉब्लम है कि जब हम बच्चों से पूछते हैं, अगर सिर्फ बच्चे दो साल ऐसे होंगे कि वो कहेंगे सर ये रस्ता हो गया बता देंगे, लेकिन जो कभी उन्होंने बात बताई ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि क्यों इसका फल पाए एट, ठीक। ऐसे ही अब इसकी बात करते हैं, तो इसका नंबर ऑफ लेटर पॉइंट तो इसके साथ आ गया। अच्छा अब इसका बताइए उसने यहाँ एक बार इसका बोला है you
जब तक तुम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती ना, तब तक मैं तुम्हें बताऊँ तुम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लोगे, तुम्हें कुछ नहीं आएगी, क्योंकि यही सब चीजें हम पढ़ाएंगे आपको इन क्लासेस में। दिस इज द मदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मदर ऑफ नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, मदर ऑफ एवरीथिंग जो आप सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, मेमोरी डिवाइसेस है ना, सुपर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स, इन सब चीजों की मदर यही है। जिनको ये चीज क्लियर होगी अच्छे से, उनको वो सब्जेक्ट ठीक से समझ में आएगा। मैं आपको बता दूँ छोटी सी बात, थोड़ा सा वो आप लोग रिलैक्स भी हो जाओगे, बीच बीच में हम कहानी सुनाते रहते हैं। देखो मैं पिछले 15 सालों से मैंने एक डायोड के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ी रिसर्च। अब आप सोचो डायोड तो कोई बहुत छोटी सी चीज है, बट डायोड को ही समझना, इफ यू कुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली ए डायोड, आज भी उसमें नोबेल प्राइज दे सकते। एक सोलर सेल पर हम लोग काम करते हैं पिछले 10-15 सालों से, सोलर सेल्स पर काम करते हैं, और सोलर सेल है क्या, डायोड ही तो है एक बस। तो इसका मतलब आई एम वर्किंग इन लास्ट 15 इयर्स ऑन ए डायोड, सिंगल डायोड, एंड आई पब्लिश्ड सो मेनी पेपर्स, 4-5 years स्टूडेंट, उनको PhD भी अवार्ड हो गई है, नेशनली इंटरनेशनली हम लोग दे सकते, बस एक डायोड को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अगर उसको भी ठीक से, तो उसकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स अगर आप ठीक से समझ लेंगे, तो आज भी मैं कहता हूँ कि डायोड में, अब देखो सिंगल एटम ट्रांजिस्टर की बात आपने सुना होगा, सिंगल एटम ट्रांजिस्टर, तो सिंगल एटम ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की तो आविष्कार पहले भी हो गया था, लेकिन ट्रांजिस्टर में दूसरा नंबर प्राइज भी मिला है, ऐसे स्पिनट्रॉनिक डिवाइसेस पर स्पिन की तो खोज पहले भी। लेकिन आप उसको जितना गहराई से समझते चले जाएंगे तो देयर आर प्लेंटी ऑफ रूम्स है ना इनसाइड द बोर्ड है ना। आप प्याज की छिलके कर अगर आप छिलके चले जाएंगे तो आपको पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें मिलती चली जाएगी। ये तो प्रकृति में इतना मतलब इतना कुछ समाया होता है, इसलिए चीजों को समझो क्लियरली से तभी आप अच्छा कर पाओगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड वो दो ही तरीके का होता है, या तो अमोर्फस जिसके अंदर एटम्स आयंस एक हो गया इसका है ना, और
थोड़ी है इसकी, वो तो फुल कंट्रीब्यूट कर रहा है इसी टीम में। जो कॉर्नर्स वाले हैं वो कॉर्नर्स पर आठ है, वो हर एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वन पॉइंट टू से। बात समझ में आई? हालांकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमारे हिसाब से स्लो पढ़ा रहे हैं सब, लेकिन अभी थोड़ा एक दो क्लास पढ़ लीजिए ऐसे ही, ताकि सब बच्चे एक बार पूरा मोटिवेट हो जाए, घर पर खड़े हो जाए, ताकि फिर वो सिर्फ थोड़ा फास्ट हो पूरा, ठीक है। लेकिन समझ में आ रहा है आप इसकी बात करिए, अब इसमें वो हो गया, अब चलो तुम बताओ और इसलिए
अब होता है ये होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है ना, क्या है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, अरे तुम निकालें कैसे नियरेस्ट six.
नियरेस्ट नेवर सबसे पास वाले पड़ोस की बात चल रही है। अच्छा इसकी नियरेस्ट नेवर डिस्टेंस कितनी होगी? ये वो होंगे सिक्स, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर एक कॉमन कोऑर्डिनेट है आपके बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? टोटल इंटरसेप्ट भी पॉसिबल है सिर्फ।